एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल वॉन्डरिंग मॉन्क में। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ क्योटो से टोक्यो की तरफ, लेकिन कुछ अनछुए सिटीज़ के थ्रू। दो तीन दिन हम ऐसी जगहों पे बिताने वाले हैं जो बहुत ही रेयरली किसी यूट्यूबर ने टच किए होंगे अभी तक। उन सारी सिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। कौन सी सिटी है वो ये देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, और इस वीडियो को देखते रहिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं। इस बार हम लोग DDLJ के राज और सिमरन बने पड़े हैं। ट्रेन दौड़ के ही पकड़ेंगे ऐसा लगता है। 8:44 हो गए हैं घड़ी में, 8:55 पे यहाँ से ट्रेन है हमारे होटल के पास उमेको जी से क्योटो के लिए। 2 मिनट की ट्रेन राइड है, उसके बाद 9:10 की हमारी शिनकानसेन यानी बुलेट ट्रेन है जो हमें लेके जाएगी नागोया। नागोया से हमें दूसरी ट्रेन पकड़नी है, कौन सी है वो ट्रेन, वो सारी बातें आगे। तो चलिए आज की वीडियो इस जर्नी को शुरू करते हैं। उमेको जी स्टेशन से क्योटो स्टेशन तक पहुँचने में लगे तो सिर्फ 3 मिनट थे और टाइम हो गया था घड़ी में 8:58। हमें बिल्कुल पता नहीं था कि JR लाइन से उतरने के बाद हमें शिनकानसेन लाइन तक पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है। और स्टेशन है काफ़ी बड़ा क्योटो का, और संडे की सुबह सुबह काफ़ी सारे लोग थे स्टेशन पे, बहुत भीड़ भाड़ थी। काफ़ी ज़्यादा धक्का मुक्की करते करते हम लोग स्टेशन के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचे और फाइनली पहुँचे थे शिनकानसेन ट्रेन की प्लेटफॉर्म पर। कैसे कैसे करके हम लोग बुलेट ट्रेन यानी कि शिनकानसेन के ट्रैक पे पहुँचे, 9:03 पे पहुँच गए, 9:10 पे यहाँ से डिपार्चर है। ये है जापान की स्लोएस्ट बुलेट ट्रेन। स्लोएस्ट क्यों, स्पीड में स्लो नहीं होती है, सारे स्टॉप्स पे रुकती हुई जाएगी यहाँ से नागोया के बीच में। इनफैक्ट यहाँ से टोक्यो के बीच में हमें नागोया पर उतरना है। 130 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, टाइम लगेगा सिर्फ 50 मिनट। अगर फास्टेस्ट जो नोजोमी बोलते हैं उसमें टाइम लगता है 35 मिनट। ये मैंने कराया था स्मार्ट एक्स करके एक वेबसाइट, उसका लिंक डाल दूंगा। अगर 3 दिन पहले या जिस दिन भी आपको बोर्ड करना है ट्रेन उससे 3 दिन पहले अगर आपने टिकट बुक कराया है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, 2 से 5 लोगों के बीच में, तो 30% डिस्काउंट मिलता है। मेरा अनु और चिक्की का टिकट मिला है 10,000 येन का, यानी कि लगभग 6,000 रुपये यहाँ से नागोया का। काफ़ी सारे इन्होंने अपने शिनकानसेन के नाम रखे हुए हैं, हिकारी, नोजोमी, कोडोमा। हम लोग जा रहे हैं कोडोमा से। ये आ गई हमारी शिनकानसेन बुलेट ट्रेन। देखने का ही एक्सपीरियंस बड़ा थ्रिलिंग सा है इसका, आज काफ़ी मज़ा आने वाला, साथ में मिलके मज़ा लेते हैं जापान की बुलेट ट्रेन का। ये रिजर्व सीट इतना होना चाहिए किसी भी ट्रेन में कम से कम। ट्रेन की पंक्चुअलिटी तो बेस्ट है, 9:10 पर ट्रेन निकल पड़ी, लेकिन सेम चीज़ बस के बारे में नहीं कही जा सकती। बस बिल्कुल पंक्चुअल नहीं थी, काफ़ी वेट करना पड़ रहा था, अंदर काफ़ी गर्मी कर रखी है, एसी नहीं चलाया लग रहा है। ये पीछे हमारे बैग्स रखे हैं। जब आप ऑनलाइन रिजर्व करते हैं तो ऑप्शन होता है एक मिडालिंग ऑप्शन ओवर साइज बैग्स का, तो आपको सीट्स ऐसी मिलेंगी जिसके पीछे स्पेस होगा ऐसे रखने का, अदरवाइज ऊपर ऐसे रैक्स बने हुए और जैसे अपने नॉर्मल ट्रेन में होता है शताब्दी वगैरह में, उसके ऊपर आप छोटे बैग्स आराम से रख सकते हैं। ट्रेन में रिजर्व और नॉन रिजर्व सीट दोनों का फंडा होता है। अगर आप नॉन रिजर्व सीट लेते हैं तो आपकी एक ट्रेन छूट जाए तो दूसरी वाली पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने रिजर्व करा रखा है तो आप जिस ट्रेन में आपने रिजर्व कराया है जो कोच जो सीट जो ट्रेन उसी में ट्रैवल कर सकते हैं। तो हमारी रिजर्व थी, अगर हमारी छूट जाती तो हमारा नुकसान होता। अगर आपने नॉन रिजर्व कराया है कोई दिक्कत नहीं, छूट जाए अगली पकड़ लीजिए। एक चीज़ मैं बताना मिस कर गया था, ये इकोनॉमी क्लास है, एक और इसके ऊपर होता है वो ग्रीन क्लास होता है। इसे ऊपर वाले क्लास में कराना चाहे तो करा लीजिए, पर ये सफिशिएंटली कंफर्टेबल है, काफ़ी रिक्लाइन होता है और लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। ये मगन से गुजर रही है हमारी नोजोमी, गुजर भी गई। ये हमारा पहला स्टॉप है माईबारा। टोटल क्योटो से नागोया के बीच में 2 स्टॉप्स हैं, माईबारा एक और उसके बाद नागोया। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा दिया 15 मिनट, पर पैसे काफ़ी बचाए हमारे। मैं कोरियन बुलेट ट्रेन और जापानीज बुलेट ट्रेन में कंपेयर कर रहा था, ये बहुत ही बेटर है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट ऑफ द सीट्स, लेग स्पेस फार बेटर, और सारे के सारे ट्रेन में वाईफाई तो ऑब्वियसली है ही। अंदर सुट्टा पीना अलाउड नहीं है, सुट्टा पीना तो आपको इसके भी लाना पड़ता है। और यहाँ पर भी आप अपना लॉक कर सकते हैं, सामान रख सकते हैं यहाँ पर, और ये ऐसा वॉश में से बाहर लगा रखा है, पानी पीने के लिए नहीं है ऐसा लिखा हुआ है। इधर है मेल फीमेल और बच्चा सबके लिए ऐसा स्लाइडिंग डोर्स। डाइपर चेंज का स्टेशन ही है, और ऑब्वियसली जापानीज टॉयलेट्स साफ सुथरे काफ़ी ज़्यादा। वो था प्रॉपर कमोड वाला सिस्टम, यहाँ पे है सिर्फ यूरिनल
हैंड वॉश में से, जैसे बाहर निकले अपने आप ही फ्लश हो जाता है, आपको फ्लश करने की जरूरत नहीं। ये है ग्रीन क्लास की रिसीट, इतनी मुझे कुछ खास नहीं लगी। नीचे से फुटरेस्ट है, हाईली रिकमेंडेड सेकेंड क्लास इकोनॉमी क्लास, अच्छा है वो। नज़ारे बाहर खिड़की से बहुत ही ज़्यादा अद्भुत, बारिश के बाद बादल पूरे नीचे पहाड़ों के ऊपर, लुक्स स्टार ऐसा लग रहा है जापान में स्विट्जरलैंड में ट्रैवल कर रहे हैं। अभी हमारी ट्रेन निकल पड़ी गिफू होशिमा जो सेकंड स्टॉप था हमारा, वहाँ से नाकोया के लिए 12-13 मिनट की जर्नी और बची है इस बुलेट ट्रेन में। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सीनिक राइड रही अभी तक की। जो अभी तक टॉप स्पीड अचीव किया इस ट्रेन ने वो 285 किलोमीटर पर आर का है। इसमें और नोजोमी में फ़र्क ये है, नोजोमी सिर्फ मेन मेन स्टॉप्स पर रुकती है शिनोसाका से टोक्यो के बीच में, और कोडामा जितने भी स्टॉप्स होंगे शिनकानसेन यानी बुलेट ट्रेन के सारे स्टॉप्स पर रुकती है। ये जो ट्रेन है नोजोमी नॉन स्टॉप क्योटो और नागोया के बीच में, पर अपनी भी बुरी नहीं थी। हमारा कौन सा 7 नंबर 6 नंबर जो कोच है वो नॉन रिजर्व, लाइन लगा के बैठी है, अगर सीट मिल जाए तो आराम से जाके बैठ जाइए, नहीं तो खड़े रहिए। सारे के सारे ट्रेन में लिखा रहा था कि कौन कौन से कोच नॉन रिजर्व हैं, क्यों कीजिए, आपको जगह मिल जाए तो आप आराम से बैठ जाइए। वो चारों तरफ से सिग्नल किया, पहले इधर का डोर क्लोज किया और फिर गार्ड को इशारा किया, फिर हो गई ट्रेन रवाना। कितनी तेज स्पीड पकड़ ले रही ट्रेन, बुलेट की स्पीड से बुलेट ट्रेन हम लोग को लेके आ गई नागोया स्टेशन। यहाँ पे हमें ट्रेन चेंज करनी है, दूसरी ट्रेन लेनी है, कहाँ जानी है उस प्लेटफॉर्म पे पहुँच के बताता हूँ। अगली जो ट्रेन हमारी है उसका टिकट भी मैंने ऑनलाइन बुक कर रखा था, उसमें इंस्ट्रक्शन था कि आप ऐसे मशीन पर जाइए वहाँ से आप टिकट प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ इशू आ रहा था उसमें लिखा है स्टाफ काउंटर पर जाइए। फिर इधर स्टाफ काउंटर पर मैं गया, काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर था, ट्रांसलेटर यूज़ कर करके समझाया, फिर ट्रांसलेटर यूज़ करने के बाद फाइनली उन्होंने हमें टिकट दिया, चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जा कर रहे हैं, अगले 2-3 हम बिताने वाले हैं जापानीज अल्प्स में। मौसम कल से बिगड़ा हुआ है, अभी भी बारिश हो रही नागोया में भी, अगले 2 दिन का प्रेडिक्शन भी है कि बारिश ही होगी, पता नहीं कितना एक्सप्लोर कर पाएंगे। बट अभी यहाँ से हम लेने वाले हैं हिडा वाइड व्यू एक्सप्रेस, ऐसा बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सीनिक रास्ता है यहाँ से टाकायामा तक का 2.5 घंटे का, और एक सीनिक ट्रेन बोलते हैं हिडा वाइड व्यू एक्सप्रेस, वो ट्रेन लेके जाएंगे टाकायामा, एक सिटी है वैली में जापानीज एल्प्स के, वहाँ आज की रात रुकने का प्रोग्राम है। और यहाँ पे 3 लोगों का किराया है कुछ 9,000 रुपये INR में नागोया से टाकायामा। ये आ गई हमारी हिडा वाइड व्यू एक्सप्रेस ट्रेन, फर्स्ट ग्रीन कार है और उसके बाद फिर रेगुलर इकोनॉमिक। अपनी ये कोच नंबर 2 पहली में सेटल हो गए हैं हिडा वाइड व्यू एक्सप्रेस ट्रेन में। काफ़ी बढ़िया सा सेट, मतलब माहौल ही बढ़िया, ब्राइट लग रहा है, ब्राइटली कलर्ड सीट्स हैं, क्योंकि जो भूख लगी है ब्रेकफास्ट में पोहा खाया था, कितना चलेगा। ट्रेन चलने के लिए तैयार है, 10:48 की ट्रेन है। शिनकानसेन में जैसे ऊपर शेल्फ बना था छोटे बैग्स यहाँ रख सकते हैं, और बड़े बैग्स के लिए आगे वो ब्लैक कलर का हमारा बैग दिख रहा है वहाँ पैसे शेल्फ बना रखे हैं जहाँ बड़े बैग्स रख सकते हैं। बड़ा सा ग्लास विंडो, जब लोग पहाड़ों के बीच में पहुँचेंगे तो मैं दिखाता हूँ आपको व्यूज। ट्रेन जर्नी का पहला स्टॉप इस हिडा वाइड व्यू एक्सप्रेस का, स्टेशन का नाम है गिफू। अभी तक ट्रेन जा रही थी अपोजिट डायरेक्शन में, अब जाएगी फेसिंग फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ से नया ट्रैक शुरू होता है टाकायामा का। टोटल डिस्टेंस है कुछ 150 किलोमीटर और टाइम लगाती है 2.5 घंटा नागोया से टाकायामा के बीच में, और गिफू के बाद रास्ता काफ़ी ज़्यादा सीनिक हो जाता है ऐसा मैंने पढ़ा है और वीडियोज़ में देखा है। चलिए साथ में देखते हैं कि जो देखा पढ़ा वो करेक्ट है कि नहीं।
गिफू से निकलने के थोड़ी देर बाद ही रास्ता काफ़ी ज़्यादा सीनिक हो चला है और विंडो से बाहर बहुत बढ़िया बढ़िया नज़ारे, बहुत ही सुंदर सुंदर से घर दिख रहे हैं और पहाड़ों के ऊपर बादल, बारिश हो गई, थोड़ा सा कचरा हो गया है हमारे प्लान्स की ऐसी की तैसी हो गई है। आज भगवान ने बोला कि ब्रेक डे है, आप लोग काफ़ी दिन से घूम रहे हैं, आराम से होटल में आराम कीजिए, चिल मारिए, वैकेशन पे आए तो वैकेशन मनाइए, ड्यूटी करने मत निकल जाइए, हरी भरी वादियों में होटल में टिके रहेंगे अगर बारिश बंद नहीं होती है तो। ट्रेन गुजरी बहुत ही सीनिक सी वैली के बीच में से, एक साइड में बीच बीच में नदी आ जाती है, बहुत सारे हरे भरे पहाड़ हैं। जर्नी में हमारे साथ आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर करके हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। ये जिस रिवर के साथ साथ ही हमारी ट्रैक चल रही, इस रिवर का नाम ही हिदा है और उसी के नाम पे हिदा वाइट व्यू रखा है, वो देखिए नीचे हिदा रिवर। हमारी ट्रेन जिस स्टॉप पर रुकी उसका नाम है गेरो और ये टॉप 3 हॉट स्प्रिंग एरियाज में से एक है जापान के। बहुत ही सुंदर से सेटिंग लग रही है यहाँ पे। मैंने तो अपना होटल कराया टाकायामा में, अगर आप गिफू प्रीफेक्चर में कहीं रुक रहे हैं तो गेरो ऑनसन भी एक अच्छी जगह हो सकती है। यहाँ पर सीट का डायरेक्शन चेंज किया जाता है क्योंकि अब ये ट्रेन वापस जाएगी नागोया की तरफ और अगला हिस्सा जाएगा टोयामा की तरफ। यहाँ पर मशीन नहीं लगा, माइंड एग्जिट है, उनको आपको टिकट दिखाना होगा बाहर निकलते टाइम, बाकी जगहों पे आप सीधे मशीन में डालते हैं टिकट बाहर। और ये लाइन है बोर्डिंग करने के लिए हिदा एक्सप्रेस के लिए। पिक्चरस्क, वंडरफुल, ब्रेथ टेकिंग, स्टनिंग, जितनी भी आपको एडजेक्टिव्स आते हैं सुंदरता के लिए, सारे सारे एडजेक्टिव्स आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेन राइड के लिए, जो कि हमने की थी नागोया से टाकायामा के बीच में। टोटली स्टनिंग जो ट्रेन राइड की मैंने जापानीज एल्प्स में, उसको डेफिनेटली मैं 8 बार रख सकता हूँ स्विस एल्प्स के ट्रेन राइड के। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, हाईली हाईली रिकमेंडेड। अगर आपको माउंटेन में ट्रेन राइड्स पसंद है, जापान आ रहे हैं, तो ये वाला ट्रेन राइड ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये वीडियो यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ, अभी टाकायामा एक्सप्लोर करना बाकी है। मैं आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।